हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे काइन मास्टर से थंबनेल। तो सबसे पहले मैं बैकग्राउंड को वाइट कलर में रखूँगा। आप अपने हिसाब से कोई भी कलर रख सकते हैं, पर मैं वाइट ले रहा हूँ। फिर मैं लेयर पर क्लिक करके अपनी लोगो लूँगा। मेरा लोगो PNG फाइल नहीं है, इसलिए मुझे इसको क्रॉप करना पड़ेगा। मैं इसको क्रॉप करके इसका साइड का पार्ट हटा लेता हूँ। इसके बाद अब मास्क को इनेबल कर दूंगा ताकि ये दिखने में अच्छा लगे, इसका साइड का हट जाए। ये देखिए हट गया इसका, अब ये दिखने में अच्छा लग रहा है। इसको मैं साइड में कर देता हूँ थोड़ा। अब फिर आपने लेयर पे क्लिक करना है, करने के बाद एक्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप अपने लोगो का जो भी नाम है उसको लिखना है। फिर मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। कलर चेंज करने के बाद अब इसका कलर चेंज हो गया है। इसके बाद मैं इसका टैक्स का स्टाइल चेंज करूँगा। इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसके बाद रोबोट पे क्लिक करके मैंने इसका स्टाइल चेंज कर दिया। बाकी का भी थंबनेल का नेम लिख लेते हैं, जो भी नाम है पूरा। आप भी ऐसे ही कर सकते हैं, अच्छा ऐसा अच्छा बना सकते हैं। ये मैंने कर दिया। उसके बाद मैं इसको ब्लैक में रखूँगा। ब्लैक में करने के बाद इसको नीचे जाऊंगा, थोड़ा आउटलाइन पे जाके इनेबल कर दूंगा। थोड़ा इसको कम कर लेना अपने हिसाब से, दिखने में अच्छा लगे। उसके बाद नीचे जाना है शेडो पे, इसको थोड़ा शेडो देना, इनेबल कर देना, कुछ भी मत करना, जितना उतने रहने देना। फिर नेक्स्ट काइन मास्टर पे भी सेम ऐसे ही कर देते हैं, शेडो दे देते हैं, अपने हिसाब से रख देते हैं। वैसे जो इसमें सेट होता है वही अच्छा होता है, पर अपने हिसाब से भी कर सकते हो। नेक्स्ट अब मैं एक लेयर पे जाऊंगा। लेयर पे जाने के बाद मैं एक बैकग्राउंड लूंगा, वो ब्लैक कलर का बैकग्राउंड। आप कोई भी कलर ले सकते हैं, मैं ब्लैक कलर ले रहा हूँ बैकग्राउंड में। ये मैंने ले लिया। अब मैं इसको थोड़ा क्रॉप करूँगा। क्रॉप करने के बाद इसको मैं थोड़ा जूम कर लूँगा। जूम करने के बाद इसको मैं नीचे लगा दूँगा। ये अपने हिसाब से इसको थोड़ा सा सेट कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं टाइटल का लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं वाइट कलर दे रहा हूँ। ये एडजस्ट कर दिया। अब इसको मैं स्टाइल, इसका स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल को चेंज कर रहा हूँ, बोल्ड कर दिया थोड़ा, रेड कर देता हूँ, उसको दिखने में सही लग रहा है। और आप चाहे तो मतलब आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कलर रख सकते हैं। ये येलो ठीक लग रहा है। अब मैं इसको सेट करता हूँ, इसको थोड़ा मैं नीचे की तरफ कर देता हूँ। यही थंबनेल मैं इस वीडियो पे भी लगाऊंगा। आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर देना, जैसा भी आपको अच्छा लगता है। इसके बाद ये हो गया बिल्कुल सेट। मैंने इसको अपने हिसाब से सेट कर दिया है। आप अपने हिसाब से जैसा आपको अच्छा लगता है आप वैसा बना सकते हैं इसको। आपने चाहे आप इसमें पिक्स ऐड करें, चाहे इसका मतलब आप इसी स्टाइल में जैसा मर्जी स्टाइल ले सकते हो। मैं सिंपल सा बना रहा हूँ, ये मैंने बना दिया। इसके बाद इसको हम क्या करेंगे, सेव करेंगे। सेव करने के लिए कैप्चर पे क्लिक करना है, कैप्चर एंड सेव पे, ये आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। तो अब चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप भी ट्राई करिए, इसको बहुत सिंपल है।